हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीक का लास्ट डे फ्राइडे है, मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आज का मार्केट के मूवमेंट से हम क्या सीख सकते हैं और मंडे मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा, कैसे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो वाला एनालिसिस आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें, प्रीमियम ग्रुप में हमने कितना प्रॉफिट बुक किया। ऑलमोस्ट हमने 39,000 प्लस का प्रॉफिट आज बुक किया प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। अगर आपको जानना है कौन कौन सा स्टॉक ऑप्शन है, इंडेक्स ऑप्शन पर कॉल किया था, काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। सब कुछ कॉल्स वहाँ पर शेयर किया था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर ज्वाइन होते तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते। तो अभी भी टाइम है, ज्वाइन हो जाओ, मंडे से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना। अगर आपको हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, मिनिमम सा फीस है, पे करके ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। इसी के साथ ही लाइव मार्केट आवर्स पे, ठीक है, लाइव मार्केट टाइम पे शॉर्ट्स के हेल्प से शॉर्ट्स बनाकर मैं अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल पे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा लाइव मार्केट का अपडेट का, अब आपको क्या करना है, क्या होगा, सब कुछ डिटेल शेयर करें, ठीक है। तो देखो, मैंने सिंपली क्या बोला था, 39,100 ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ब्रेक करके ऊपर गया और यहाँ से हमने यहाँ तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ज़्यादा नहीं, 50-60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बुक किया, ओके। इसके बाद क्या हुआ, मैंने 200 मूविंग एवरेज था और मैंने बोला 38,861 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। इसके बाद हमने वेट किया 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करने के लिए, ओके, मूविंग एवरेज ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो, यहाँ से यहाँ तक एक पुल बैक लिया, हेल्दी पुल बैक। पुल बैक लेने के बाद जब ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ है तो इसके नीचे जो ये कैंडल कंटिन्यूशन हुआ तो इस पे हमने दोबारा शॉर्ट कर दिया है और 200 मूविंग एवरेज हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो देखो, 200 मूविंग एवरेज तो ऊपर नीचे चला गया, तो इस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट होते होते थोड़ा सा बच गया और सीधा यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। इसके बाद दोबारा हल्का सा ऊपर पुल बैक लिया और नीचे आया, ऊपर गया, ओके, उसके बाद दोबारा ऊपर गया, यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न फॉर्म हुआ था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा, तो मतलब ब्रेकआउट तो अच्छे ढंग से नहीं हुआ, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ खत्म हो गया। तो हमने तो यहाँ पर एंटर कर लिया था, बट जो लोग मेरे एनालिसिस फॉलो करते हैं वो लोग कहाँ पर एंटर किए होंगे, मैंने बोला 38,861 के नीचे सेल करना है और आप शायद इस कैंडल पर एंटर किए होंगे। अगर यहाँ पर भी आप एंटर किए हो तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा, ओके, 50-100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपका कहीं नहीं गया था, ओके, इजीली आपको मिल गया होगा। तो अब देखते कल क्या हो सकता है, आज का तो हो गया, आज मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग, थोड़ा सा वॉलेटाइल साइडवेज भी था, तो अब देखते कल क्या होगा, सॉरी कल मतलब मंडे क्या हो सकता है, सब कुछ लाइव डिलीट करके तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते कैसा कैंडल आज फॉर्म हुआ है, ओके। तो आज देखो कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ है और देखो सीधा रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, क्लोजिंग देखो, ये जो रेजिस्टेंस वाला सपोर्ट वाला पॉइंट है सपोर्ट पे ही है, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करके अभी भी नीचे नहीं गया है, सपोर्ट के पास में ही है। तो हमको क्या करना, 15 मिनट के चार्ट पे चलना है। तो दोबारा हमको क्या करना है आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिबो को प्लॉट करते हैं, स्विंग लो, 200 मूविंग एवरेज से स्विंग हाई तक लगा लिया है, ओके, सॉरी डिलीट करते हैं मैंने गलती से, ओके, चलो लगा दिया इसको, ओके। तो मार्केट अभी कहाँ पर है, देखो ये है 61.8% का लेवल, ओके, यहाँ तक पहुँचा नहीं, यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ से रिवर्स होकर जा सकता है और ये 38.2% और 38.2% के ऊपर ही मार्केट अभी है, मतलब मार्केट में अभी भी बाइंग साइड या पॉसिबिलिटीज़ है, ओके, आप बाय कर सकते हो, फिर भी लेवल्स वगैरह आपको दे देते हैं हम, ठीक है। तो चलो लेवल्स वगैरह तो आपको देना पड़ेगा, मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको कब क्या करना है नोट करके रखना सब कुछ, ओके, ढंग से नोट करना तभी कुछ प्रॉफिट होगा। अगर नोट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यहाँ पर एक आप देख सकते हो, एक अगर मैं रेंज ड्रॉ करूँ तो देख सकते हो एक अच्छा खासा रेंज यहाँ पर है, ओके। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट कल यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से दोबारा रिवर्स होकर नीचे आ सकता है, अगर रिवर्स होकर नीचे आएगा तब आप क्या कर सकते हो, सेलिंग साइड के लिए जा सकते हो, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, समझ में आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होकर
सीधा इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, तब भी आप बाइक बाइंग साइड के लिए जा सकते हो। बाइंग के लिए आपको मैंने दो अपॉर्चुनिटी दे दिया। अब आप सेलिंग कब करोगे, ठीक है, अब काम करोगे, वेट करोगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे थोड़ा सा एक मैं रेंज क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ जाएगा तो आप दोबारा बाइंग साइड के लिए जाओगे और आपको सेल भी करना है। सेल कब करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको सेल करना है अगर इस लेवल्स को मार्केट ब्रेक कर जाए, इस लेवल को हल्का सा ब्रेक करके नीचे आता है तो आपको सेल करना है एक बिल्कुल मिनिमम सा, ओके 5 या 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 20 से 50 पॉइंट्स का, ओके। बस इतना सा मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक आने का मूवमेंट आपको, बस यहाँ से एक छोटा सा मतलब जो प्रॉफिट है वो आपको लेना है। उसके बाद आपको दोबारा रिवर्सल ट्रेड लेना है, बाइंग साइड के लिए घुस जाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सेल इसको, ओके इसको यहाँ पर ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके नीचे सेल करोगे, दे दिया, इसके ऊपर आप बाय करोगे। और आप अगर इसको ब्रेक कर देता है मार्केट, ठीक है, तो आप सेल करोगे। ये जो रेंज मैंने ड्रॉ कर दिया है आपको, अगर कल मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन कर देता है तो आप क्या करोगे, सीधा सेल करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कल गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा, गैप डाउन होगा। तो अगर इस रेंज के, ये टोटली ये जो रेंज दिया, इस रेंज के ऊपर मार्केट ओपन होता है या नीचे ओपन होता है तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट के टाइम पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और इसी के साथ ही बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है और अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ, ठीक है। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे भी ओपन कर दिया मैंने, तो मैं थोड़ा सा नैरो डाउन करना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर नैरो डाउन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक रेंज यहाँ पर भी ड्रॉ करूँ, एक रेंज, ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे एक रेंज मिल रहा है। इस रेंज के ऊपर भी आप बाइंग साइड के लिए जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए और नैरो डाउन कर दिया मैंने, अगर इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है मार्केट तो बाय करना, आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। तो चलिए, जितना हो सके उतना आसानी से मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके दे दिया, समझने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना। आप चलते हैं निफ्टी में, निफ्टी में हमने कैसे प्रॉफिट बुक किया आज वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। मैंने सिंपली आपको बोला था 7620 ये वाला जो रेंज है इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है और 7511 के नीचे आपको सिंपली सेल करना है, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, होने के बाद तुरंत नीचे आया, ओके, नीचे आकर अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लेवल्स को ब्रेक किया। मैंने जब बोला था सेल करना है, ओके, मैंने यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए एंट्री किया था बट मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस ही हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये जो रेंज है इस रेंज से एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ डाउन रेड कैंडल बियरिश कैंडल बनाया है और इसके नीचे एक कैंडल कंटिन्यूएशन किया है। इस कैंडल पे हमने दोबारा एंटर कर लिया रिवर्सल ट्रेड के लिए, ओके, हमने दोबारा यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। 17,600 का पुट ऑप्शन हमने बाय कर लिया था और हमने 250 का टारगेट बना लिया था, ओके। और देखो, और ये हमारा ये टारगेट था फर्स्ट 7,452 और मार्केट सीधा यहाँ पर आया, थोड़ा सा हल्का सा पुल बैक लिया, ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, हल्का सा पुल बैक लेकर ये वाला जो टारगेट है हमको दे दिया, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट हमको इस मूवमेंट पे मिल गया। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल था, अप डाउन रहेगा और हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। बस हमने यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है ये मूवमेंट हमने कैच किया और प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। अगर ऐसा मूवमेंट आपको भी बुक करना है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना और प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो देखते हैं कल क्या कर सकते, ठीक है। तो डिलीट कर लेते हैं प्रीवियस लेवल्स को, अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कैंडल कौन सा फॉर्म हुआ है, ओके। इस हिसाब से हम मंडे ट्रेड लेंगे। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने से सब कुछ हो जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही सब कुछ है मार्केट में, ठीक है। प्राइस एक्शन देखो, पहले इंडिकेटर वगैरह देखकर कोई फायदा नहीं है, प्राइस एक्शन अगर आ गया सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो नियरेस्ट कोई सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है तो वीकली चार्ट पे जाकर एक बार देखते हैं कैसा क्रिएट किया है, ओके। तो यहाँ पर बियरिश पिन बाय जैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है, ओके। तो चलते 15 के चार्ट पे, यहीं पे जाकर हम एनालाइज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहा, इसके बाद सीधा ब्रेक डाउन करके नीचे आया,
तो आने के बाद यहाँ पर अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। अगर एक रेंज बना थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर, तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ भी जा सकता है। नीचे कहाँ तक जा सकता है, 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ तक आ सकता है सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक रेंज, ओके, यहाँ से मुझे एक रेंज दिख रहा है। इस रेंज के अंदर मार्केट जब भी जाता है कंसोलिडेशन क्रिएट करता है या रिवर्सल करता है, ठीक है। तो ये एक रेंज हो गया हमारा, और एक रेंज हमको चाहिए, ठीक है। अभी अभी आपको बताते हैं, यहाँ पर मुझे एक रेंज मिल रहा है, ठीक है, देख सकते हो, ये एक रेंज है, ओके, ये रेंज मैंने ले लिया। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो आपको बाइंग साइड के लिए जाना है, एकदम सिंपल है। और इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो आपको सेल करना है या रिवर्सल बाय करना है। 5 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कुछ। ओके गाइस, आप देखो यहाँ पर एक फ्लिप जोन जैसा है, तो ये लेवल्स आप मार्क कर लो, क्योंकि देख सकते हो इस लेवल्स पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ओके। यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट ही बोल सकते हैं, फेक ब्रेकआउट है, सपोर्ट ही लिया है। तो अब अगर कल यहाँ इसके नीचे जाता है तो आप सेल करना, और फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ तक देखने को मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो सेल वाला बटन को मैं यहाँ पे लाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो, इसके नीचे आपको सेल करना है, इसके ऊपर आपको बाय करना है। इस रेंज को थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ओके। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो गाइस देखो, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए। अगर मार्केट यही कहीं पे ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है बाय करना, नीचे की तरफ आता है सेल करना है। अगर नीचे ओपन होता है, यहाँ से रिवर्सल करके ऊपर जाता है तो बाय करना, अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है तो सेल करना, सिंपल है, ठीक है। अगर ह्यूज गैप डाउन गैप अप होता है तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो, एक लाइक करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और गाइस इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। हैव अ गुड डे।